की खिड़की खोल, बेबी लव की बातें बोल, आजा चल ले रॉक एंड रोल टुगेदर। जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी, जकरिया और कुसुम की लव स्टोरी। भाई वो तो कटेगी। क्या सही तो किया, अब क्या किया? पहली बात तो ये कि ये बहुत ये तो लानत दे सकती हो, मेरे पास तो तेरे पास इतनी मोहब्बत ही नहीं है कि तेरे को चूरन दूं, मैं लानत दूंगी तेरे को। आगे दे भी, कितना वहां से करेगा। तो क्या ये क्या हो गया? ये क्या किया कानून के साथ तुमने? आपने तो कहा कुछ दे। वाह वाह यार, तुम लोग हंसते हो ना। कानून सुनता नहीं है। हमने सुना। तू टैक्सी का किराया ना दे, मैं तेरी। हाँ ए भाई तो गरम कर, मसवरा भी मैं दूँ, रोकड़ा भी मैं दूँ, दो दो काम ये नहीं करती। जब रोकड़ा दरवाजा मेरी बेगुनाही की वजह से। पूछने की बात तो सिर्फ ये कि इसमें रोकड़ा लगेगा, वो भी सिर्फ 300 रुपए। ओह माय गॉड, कैसे हस्बैंड से आप अपनी बीवी से खाना खिलाने के भी पैसे मांग रहे हैं? मिंजा मोला, जिंदा बकरा, वो भी अकेले अकेले। उधर ऊपर में ना ईद की ईद मिलन पार्टियां बहुत चल रही हैं, तो कभी इस चुड़ैल की पार्टी में जाता हूँ तो कभी वो मुझे खींच के उधर बुलाती है, तो बहुत सारी पार्टियों में खा खा के मेरा पेट भर गया। रंग भरे बादल से। माँ आप एकदम शुरू शुरू में टार्जन की तरह आवाजें देने शुरू हो जाती हो, हुआ क्या है? इस घर में बहुत अच्छा माहौल था, जब से तेरी शादी हुई है ना तो जंगल का माहौल लगने लगा। माँ आहिस्ता बोलो, नहीं तो यहाँ खड़े खड़े कयामत आ जाएगी। कयामत आ जाएगी? कयामत तो उसी रोज आ गई थी जिस दिन वो अपना बड़ा सा तशरीफ का टोकरा लाई थी। माँ आप कयामत भी ले आई, लेकिन मेरे को वो बात अभी तक नहीं बताई जिसकी वजह से आप मेरे को आवाजें दे रही थी। मेरे को ये बता कि अगर घर में खाना नहीं पका हो तो क्या करना चाहिए? सिंपल, भूखा रहना चाहिए। चरिया नहीं। अच्छा तो फिर किसी और के घर से खाना आने का इंतजार करना चाहिए। ये मिंजा मौला, इस भाईड़ी ने तो मेरे छोकरे का दिमाग किसी नहीं छोड़ा। तो क्या करना चाहिए आप खुद ही बता दो ना। ये बाहर जाना चाहिए, होटलिंग होटलिंग करनी चाहिए। होटलिंग? ए माँ आप कितनी ग्रेट हो, इतना खर्चा करोगी? पैसा और मी। हाँ जाहिर है, अभी जब होटल जाएंगे तो वहाँ जाके क्या होता है बताओ जरा। वहाँ जाते हैं ना, आराम से बैठते होते, एक लंबी सी टोपी वाला सफेद वाला आके गत्ता सा देता है, उसको पढ़ते फिर ऑर्डर करते, फिर आराम से बैठ के खाते। वेरी गुड माँ, क्या आपने स्टोरी सुनाई, लेकिन इस स्टोरी का जो एंड है ना वो बहुत ही दर्दनाक है। एंड कुछ इस तरह है कि घर का जो सबसे बड़ा होता है ना, वो अपने खीसे से करारे करारे नोट निकालता है और गत्ते वाली किताब के अंदर रख देता है, और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर की सबसे बड़ी आप हो। लानत है तेरी शक्ल पे। मैं थैंक यू माँ, मशवरा भी मैं दूँ तो रोकड़ा भी मैं दूँ, ये मेरी डायरी में लिखा हुआ नहीं है। ए, जब रोकड़ा नहीं दे सकते तो मशवरा क्यों देते हो? मजबूरी है हमारी। मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है, मजबूरी है। जो तुम सोच रहे हो वो हम कैसे सोच सकते हैं? हाँ ये तो है, कहाँ तुम्हारी सोच कहाँ मेरी सोच। पप्पू तुम्हारे मुताबिक से हमें जो सोचना चाहिए वो क्या बात है? मैं सोच रहा हूँ कि अगर आज हमारे घर में कुर्बानी होती तो इस वक्त हम कर क्या रहे होते? गोश्त की बोटियाँ बनने का इंतजार कर रहे होते। अगर वो बन चुकी होती तो क्या कर रहे होते? उनके पकने का इंतजार। अगर वो पक चुकी होती तो टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार। ओके ओके, तुम लोग अपना अपना इंतजार करो, मैं अपना करता हूँ। किस चीज का? कुर्बानी का, और किस चीज का? अरे कमगत, खड़े हो जाओ। ओ तुम्हें बोलिए तुम भी खड़े हो, यहाँ हमारा भूख से बुरा हाल हो रहा है और तुम हमें ख्वाब दिखा रहे हो।
ना मेरा छूना। चकू मेरा चकू। सुना आज तो आप एकदम कयामत लग रहे लियो। ईद का दिन जो है, वैसे ईद के इस पुर मुसर्रत मौके पर अगर मैं आपको सुबह से शाम तक एसी वाले कमरे में बिठा के ने कोरमा सीख कबाब और टिक्के खिलवाऊं तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल करता है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पूछने की बात तो सिर्फ ये कि इसमें रोकड़ा लगेगा, वो भी सिर्फ 300 रुपए। ओ माय गॉड, कैसे हस्बैंड हैं आप, अपनी बीवी से खाना खिलाने के भी पैसे मांग रहे हैं? ए मिंजा मोना, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी भाई को खाना खिलाने के पैसे नहीं मांग रहा। तो फिर वो तो आने जाने का रिक्शे का किराया मांग रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। अच्छा, कौन से रेस्टोरेंट जा रहे हैं हम? ए मिंजा मोना, ए भाई रेस्टोरेंट जाएंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा ना, इसलिए अपन रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे बल्कि किसी के घर जाके मुक्का फोड़ेंगे। वो आप सोचे न, कोई आपका ऐसा रिश्तेदार है जो सुबह से शाम तक हमको भी बर्दाश्त करे और हमको खाना भी खिलाता रहे हैं? जाकू पहले मेरे को एक बात बताइए कि ये 300 रुपए मैं ही दे रही हूँ या आप भी कुछ दे रहे हैं? नहीं भाई, सब लोग देंगे, माँ भी देगी। वेरी गुड, अब आप ये सोचिए कि अपन लोग ये सब पैसा लगा के किसी घर पर जाएं और वो घर पे हो ही नहीं, या तो चाय पर ही अपन लोग को तरखा दे, तो क्या लॉस नहीं होएगा अपन लोगों को? बरोबर बरोबर। और अगर मैं आपको ऐसा जुगाड़ बता दूं जिसमें 300 रुपए में हम सबका खर्चा पानी पूरा हो जाए तो? वो तो मजा आ जाएगा, इतना सस्पेंस काहे को रख रही है, जल्दी बताना। आप अपनी बसंती पर बैठकर अपने 300 रुपए का पेट्रोल डलवा कर बाबा गाजी के मजार पर जाकर हम सब के लिए बिरयानी की थैली लानी पड़ेगी, हम सबर शुक्र करके खा लेंगे उसमें। वाह, खुद की जेब से 300 रुपए निकले तो कैसे मुंह बना के निकल लिए चकू? ये मिंजा मोला, लोग कच्चा पपीता लगा लगा के गोश्त भून भून के खा रहे ले, और मैं कच्चा पपीता नहीं तो पक्का पपीता खा रहे लियो बिगैर गोश्त के, पर मेरा नसीब ही ऐसा है, मैं क्या कर सकती हूँ, ये लो। ये मिंजा मोला, ये बंदर वाली लैंडिंग क्यों दे रहे ले? पेट में हाथ क्यों रखा है इसने? मनुष्य बस हर जगह ये आके हमें रोने देता है। ये मिंजा मोला किधर गया ये मनुष्य? याला, ये तू इधर मेरे बिस्तर पे क्या करे ले, तेरे को शर्म नहीं आती? ए पपीते को देख के बंदरों जैसी छलांगे काय को मारे ले हो? ये जुब्बी, तेरी समझ में नहीं आ रही है, तेरे को गलत फैमिली हो गई ली है क्या? कसम खा। ये जुब्बी, मैंने इतना खा ना खाए कि अब तो कसम खाने की भी हिम्मत नहीं है मेरे। आए। ये मिंजा मोला कहाँ से खा लिया और किसने खिला दिया तेरे को? हाँ ये ठीक पूछ रही ली तू, उधर ऊपर में ना ईद की ईद विलन पार्टियाँ बहुत चल रही है, तो कभी इस चुड़ैल की पार्टी में जाता हूँ तो कभी वो मुझे खींच के उधर बुलाती है, तो बहुत सारी पार्टियों में खा के मेरा पेट भर गया। इधर दुनिया में भी तू ऐसा था, उधर चुड़ैलों के पास भी वैसे ही था, उधर ही रहता, इधर काहे को आ गया पेट दबाते हुए चुड़ैल का बच्चा? ये उधर चुड़ैलों की छोटी मोटी पार्टियां तो चलती ही रहती है, अपने खाते ही रहते हैं, मैं तो ये देखने आया था कि मेरी महान चुड़ैल ने मेरे लिए क्या इंतजाम किया है। ए मनुष्य, तूने मेरे लिए ऐसा क्या किया जो मैं तेरे लिए पार्टी करूं? ये क्या बोल रही है तू, ये कम था कि मैंने तेरे से शादी बना ना की तेरी फोटो देखे बगैर? हाँ, और मेरा एहसान तो मान, मैंने तेरी शक्ल देख के बिल्कुल बंदर लग रहा था, फिर भी मैंने हाँ की क्योंकि तेरे बाल थे मेरा पूरा खानदान गंजा। ए मिंजा मोला, ये कैसी भाईड़ी है, शोर को मुसीबत में देख के कम से कम हाजने का चूरन नहीं देवे, हौसला तो देवे हौसला। जिस तरह की तेरी हरकत है ना, उसमें हौसला नहीं बल्कि 3-4 जूतियां मारनी चाहिए। हाँ। ये जुब्बी, ये मेरी प्यारी जुब्बी, आज ईद का दिन है, ईद का दिन है, खुशी का मौका है, कुछ तो अपने शोर का ख्याल कर ले। ए सुलेमान, तू तो पता नहीं चुड़ैलों के कबाब फोड़ फोड़ के आ रहे ले, हम तो अभी इंतजार कर रहे। इंतजार? ये जुब्बी, किसका, मेहमान का इंतजार? ओ नहीं मनुष्य, मेहमान बनने का किसी को तौफीक ही नहीं है कि अपन लोगों को मेहमान बना ले। ए जुबी, एक बात मेरे को बता,
तेरे को अगर कोई दावत दे दे बुलावे तो तू जाएगी उसकी तरफ? हाँ हाँ, कोई बुलाएगा तो जरूर जाऊंगी, कोई बुलाए भी तो। जुम्मी एक बार आजा 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 ऊपर आजा, एक बार आजा 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 ऊपर आजा। तो करे पपीता बच गया, मेरे को कब्ज हो रहे लिए इसलिए कि गोश्त भी नहीं मिला, कम से कम पपीते से अपनी जान तो बचाऊंगी। ए माँ ए कुलसुम, 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 ए जाको ए जाको, खाने की कोई जुगाड़ लग गया क्या? खुद तो आप ऐसे हो रहे जैसे गोला कबाब की प्लेट्स मिल गई हो। ए भाई ऐसा जुगाड़ लगा है, समझ ले गोला कबाब भी मिल जाएगा। चक्कू उसके पैसे मेरे से नहीं लेना। ए माँ आपसे पैसे नहीं ले रहा, मैं क्या सोच रहा हूँ अपन कब तक दूसरों के आश्रय में रहेंगे कि कोई और अपन को बुलाए। ए प्लीज आप किसी को मेहमान बना के ना ले आना इधर। तू मेरे को जानती नहीं है क्या? क्या बताऊँ माँ, करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फोन घुमाना है। और फोन घुमा के खाने का ऑर्डर दी है ना? खाने का नहीं, आने का समझी? खाने को आने का। ए नहीं माँ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि कब तक अपन ये सोचे कोई और अपन को फोन करे या कोई और अपन को बुलाए, अपन फोन करते हैं, फोन फौरन रखते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। और हमारे पहुँचने से पहले वो भाग गए। फिर ज्यादा अपन को वादा करना ही नहीं है, अपन ने पूछना है भाई तुम लोगों ने कुर्बानी की है कि नहीं, वो कहेंगे की है। फिर अपन पूछेंगे तुम लोग घर पे हो कि नहीं, वो कहेंगे हे, अपन पहुँच जाएंगे है कि नहीं। अब फैसला ये करना है कि जाना किसके घर, ठीक है? तू अपनी दोस्त को फोन कर, आप अपनी सिली को फोन करो, और मैं अपने फ्रेंड को फोन करता हूँ। जहाँ दाव लग गया सही है, अगर तीनों जगह का लग गया तो समझ ले नाश्ता ने खाना ने डिनर सब हो जाएगा, ठीक है? ट्राई मारो, ट्राई मारो, आ जाओ। चोरों को फोन लगाता, ज्यादा अच्छा खाना पके उधर फोन करो। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, क्या हाल है? मैं जुलेखा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं घर आऊंगी ना तो तुम मेरे को पहचान जाएगी। बहुत दिन हो गए, आपसे कोई रब्ता ही नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं हुई। बोल कैसी, सब ठीक है? नहीं नहीं, मतलब क्या होएगा इस उम्र में, कोई खास काम तो नहीं था? मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि हर साल तो तुम लोग कुर्बानी करते हो, तो इस साल भी कर रहे हो ना? कुर्बानी तो हुई ना तेरे घर? आप लोग अभी घर पर है ना? हेलो हेलो हेलो, ये बैल काट है, माशाल्लाह माशाल्लाह, घर पे तो हो ना? हेलो, ये बैल नहीं तू। हेलो हेलो, हाँ मेरे को आवाज आ रही है क्या? अपन सारे आ जाए। ए तेरे को आवाज नहीं आ रही पर मेरे को तो आ रही है। हेलो मिंजा बोलो, सिग्नल तो पूरे आ रहे हैं, कमीने ने मेरा फोन काट दिया। अपन को बुला के तू घर से कहीं चली तो नहीं जाएगी? लगता है मेरे को ब्लैक लिस्ट कर दी है। अपन आने जाने का जो खर्चा होएगा उसका लॉस नहीं हो जाए? हे एक कर सुमड़ी चक्कू, जल्दी आ जाओ, वो उसका इंतजाम हो गया है। मम्मा मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कोई हमें ईद वाले दिन भी बुला सकता है। हाँ क्यों नहीं बुला सकता, अब हर कोई तेरी दादी की तरह थोड़ी ना है, कुछ लोग तेरे मम्मा की तरह नेक भी होते हैं। मम्मा वहाँ बिरयानी मिलेगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर को बैल काटता है। मम्मा कौरमा मिलेगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर को बैल काटता है। मम्मा वहाँ सीख कबाब मिलेगा? ए सब कुछ मिलेगा उधर, पहले ये तो देख लो कि घर वाले मिल रहे कि नहीं मिल रहे। चलो 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 अभी बाहर निकलो, अभी तैयार हो गए। हाँ चलो चलो चलो। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब लोग शिपमेंट के लिए रेडी है। चलो लेकिन अब ये बताओ कि हम लोग जाएंगे कैसे? ए जक्कू एक दो तो बसंती पे ले जाओ, इतनी बड़ी फौज किसे लेके जाए? सासू माँ आप अकेले भी बसंती पे नहीं आ सकती हैं, उनके लिए तो सुजुकी मंगानी पड़ेगी। ए जक्कू छोड़ इनको, अपन अकेले चलते हैं। ऐसे कैसे माँ, अगर आपको लेके जाऊंगा अकेले तो मेरे पेट्रोल का खर्चा होएगा, और इनको छोड़ के जाऊंगा तो इनको खाना खिलाने का खर्चा होएगा। ए भाई मेरा तो लोस ही लोस है दोनों सूरतों में। जे करिए तो अभी खुद ही सोच ले, रोकड़ा बचाना चाहेंगे या इज्जत? पापा ऐसा करें कि मम्मा और दादी को आप यहाँ पे छोड़ जाएं और हम लोग पराए घर चलते हैं। कैसे कैसे छोड़ दूं पप्पू बेटे, अगर पराए घर मैं अपनी मम्मी को लेके नहीं गया ना तो पराए घर वाले मेरे को घर में घुसने नहीं देंगे, और अगर तेरी मम्मी को लेके नहीं गया तो तेरी मम्मी मेरे को इस घर में घुसने नहीं देंगी। तेरा पप्पा प्रॉब्लम है बेटे। ए जक्कू इतनी सारी फौज तो टेंट पर बैठ के जा सकती है ना, और सासू माँ जैसा बम का गोला अगर बीच रास्ते में फट गया फिर? कल सुमड़े तू फिकर नहीं कर, मैं जाऊंगी फटूंगी ना तेरे साथ ही फटूंगी मैं। ए, 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 क्या बातें लेके बैठ गये हो,
मेरे ख्याल से अपन को जाने के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी। जो जाके लेकर आना, इतना ऐलान करने की क्या जरूरत है? ए भाई ठीक है मैं जाके टैक्सी का इंतजामियात करता हूँ, लेकिन एक बात है, आप लोग सब टैक्सी में जाना, मैं बसंती में आ जाऊंगा, ठीक है? ए चक्कू, मैं सब समझ गई, तू अकेला बसंती पे जाना चाहता है ताकि टैक्सी का किराया हम दे। हम तेरी सारी स्कीम समझ गए, आप इसको फ्लॉप करेंगे, होने नहीं देंगे। मान लिया माँ जी, मान लिया, आप वाकई जुलेखा सुलेमान हो, आपसे पैसे निकलवाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यस, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। ओके, जल्दी जाओ। प्लीज मेहरबानी करके फाइटिंग शुरू मत करना। बच्चों कोई लड़े उनके मुंह पर पानी फेंक देना ताकि मेकअप धुल जाए। फाइटिंग से बोले, फाइटिंग तो आप ही करते हो, आप ही फटाकड़ी में धमाके करके। मैं तो सही बोल रहा हूं, बता रही हूं। मोदा, जिंदा बकरा, वो भी अकेले अकेले। भाईजान ये बकरा किसका है? भाईजान ये बकरा किसका है? भाईजान ये बकरा किसका है? तीन बार पूछते मेरे को कोई नहीं बता रहा, इरा हो गया। चलो चलो श्री जाम बहुत, ऐसे क्या दिख रहा है, लड़ेगा क्या? आजा आजा। ए मिंजा बोला पप्पू, बकरे की खुशी के साथ मेहमान के आने का लोस की खबर दे दी तूने मुझे। वैसे भी हम लोग हमेशा बकरा ही खरीदते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये बहुत महंगा होता है, और दूसरी बात भी ये है कि ये बहुत महंगा होता है। वरना गाय और ये बच्चिया तो हर कोई मिल मिला के काट ही लेता है ना। आ, सही कह रहा तू, लिया कितने का? तुम लोग क्या समझते थे कि तुम लोगों के बगैर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता? वैसे भी डॉक्टर ने मेरे को ना बड़ा गोश्त खाने से मना कर दिया। भाई जब बकरा मिल गया है तो अपन जाएंगे ही क्यों? ए चक्कू, तू अपने प्रॉफिट के चक्कर में मेरी दावत का लॉस मत करा। माँ आप समझ नहीं रही हो, अब अपन को बकरा मिल गया है, अपन को दूसरे घर जाके खाना खाने की जरूरत नहीं, अपना खुद का जाती बकरा, उसको जिबा करेंगे और खाएंगे। क्या? हाँ, अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा है तो चलो मैं आपको बाहर बकरा दिखाऊ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये कहाँ से आया, कैसा खूबसूरत बकरा है। तू बकरे से डरती है क्या? नहीं तो प्यार करके दिखा, प्यार करके दिखा। ए बात, ये चीज देख, अभी कहाँ से आया, किधर से आया, ये तेरा मसला नहीं है। तू बकरे की बोटिया कान है, दांत मत गिन। कैसा है माँ? बहुत प्यारा। मैचिंग के कपड़े पहने, सेकंड करता है, सेकंड 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 करो। ए बेचारा, ये जब कटेगा तो मेरे को बहुत खुशी होगी। चलो बच्चों, बकरे को घुमा के आओ, नहीं बाहर नहीं लेके जाना, अंदर ही घुमाना। बकरे की सेल्फी दे लो। हाँ बकरे की सेल्फी, कैमरा किधर है? नफीसा, मैं जुलेखा, अब हम आ भी नहीं रहे। तुम लोग क्या समझते थे कि तुम लोगों के बगैर कोई कुर्बानी नहीं कर सकता? वैसे भी डॉक्टर ने मेरे को ना बड़ा गोश्त खाने से मना कर दिया। ए मिंजा मोला, इतनी बड़ी लिस्ट करिए साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि गोश्त को खाने से पहले उसको पकाना भी पड़ता है। मैं क्या कह रहा हूँ कुसुम, अपन हमेशा बकावा गोश्त खाते हैं, क्यों ना इस बार कच्चा गोश्त ट्राई करें, कैसा? अगर मैं कच्चा गोश्त खा सकती ना तो इस घर में सासू माँ नजर नहीं आती। ए मिंजा मोला, ठीक है लाता हूँ भाई लाता हूँ, तू खामा खा आदमखोर बनने की प्रैक्टिस मत कर।
यार अम्मा का भरवा दिया। खुद का बकरा लाई हूँ मैं। हाँ तुम लोग बड़े चालाक हो ना, ऐसा करते हो घर में बुला के बकरा ईद को चाय और बिस्कुटों पे टरखा देते हो। अभी तो हमारे घर बकरा आ गया, हम किसी से बात भी करना नहीं चाहते। तू सट्टी कुट्टी रे ना, तू जिल्टी कुट्टी रे ना। हेलो पप्पू, कैसे हो? अबू किधर है? घर पे है तो, लेकिन वो आपको मिल नहीं सकते। अबे क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिल सकता? वो आज दरअसल हमारे घर पे बकरी कुर्बानी का चक्कर चल रहा है ना, उसमें दरअसल मसरूफ है हम। अच्छा, अबे ये तो बहुत अच्छा हो गया, मैं भी आऊंगा, हेल्प करवा दूंगा मैं। हमें किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, हमारा पूरा खानदान हैगा। अबे हेल्प की जरूरत किसको नहीं होती नोटी पप्पू। रुक जा रुक जा, सबर कर जा। तू आदमी जगरिया के बेटा है। चलेगा चलेगा। आदाब अंकल, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं नहीं, पहले तुम चलोगे फिर मैं पीछे पीछे आऊंगा। अंकल मैं आपके साथ ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? आप पढ़े पहले आप। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, तूने वाकई में जकरिया का वलिया दौने का पक्का सबूत दे दिया। चल पहले बकरा बकरा दिखाएगा पहले तू, है आ जाना आ जा। ए मिंजा बोला पप्पू, बकरे की खुशी के साथ मेहमान के आने का लोस की खबर दे दी तूने मुझे। लेकिन पप्पा वो मैंने थोड़ी बुलाया था, आपने खुद ही तो बुलाया था। ए तूने नहीं बुलाया मगर वो खुद आ गया ना मनु, सब मैं क्या करूँ क्या करूँ। अच्छा बता तू उसको अंदर तो लेके नहीं आया ना? नहीं पप्पा, मैं भी आपका बेटा हूँ। शाबाश शाबाश। लेकिन पप्पा जब मेरी जेब में ये आया तो फिर कुछ याद ना रहा मुझे। 50 रुपए, वाह पप्पू वाह। शाबाश पप्पू, वैसे तो मेरा लॉस हुआ है लेकिन मैं खुश इस बात पे हूँ कि मेरी ट्रेनिंग बिल्कुल सही जा रही है। ये जो 50 रुपए ये तू सारे खुद रखे? चल रख ले, बाद में कुछ खाते हैं इसका, है। शाबाश शाबाश, सगर आपकी भाई बहनों को भी बुला ले, सब लोग उससे पैसे मांगे। ठीक है जा शाबाश जा। ए मिंजा मोला कमीना अचानक आ गया पता नहीं का। ए जमील मेरे भाई, अचानक भाई किसे याद आ गई मेरी? यार याद तो बहुत आती है पर वो पैसा बीच में आया था ना। चल तू तो याद भी कर लेते, हम तो वो भी नहीं करते यार। खैर है खैर है। वैसे यार तेरा बकरा है बहुत टाइट। अरे जमील तेरे को तो बताइए ना, आपके भाई को सिर्फ 200 शौक है, एक अच्छा पहनने का और दूसरा अच्छा खाने का। अबे भाई तौबा है यार, कितना झूठ बोलता है। और वैसे भी हम लोग हमेशा बकरा ही खरीदते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि ये बहुत महंगा होता है और दूसरी बात भी ये है कि ये बहुत महंगा होता है, वरना गाय और ये बछिया तो हर कोई मिल मिला के काट ही रहता है ना। अरे सही कह रहा तू, लिया कितने का? लिया कितने का अभी क्या बताऊँ, पैसे वैसे का समझो मुफ्त में पड़ा है। तो क्या बोल रहा है, मुफ्त का? हाँ 40-50 हजार भी कोई रकम होती है क्या? मुफ्त ही हुआ ना। कितना झूठ बोलता है जगरिया तू, झूठ बोलते हुए तेरे को शर्म भी नहीं आती? वैसे वो बकरा वगैरह जिबा करने का क्या प्लान है तेरा? बकरा जिबा, वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं भी इसकी बहुत सारी खिदमत करूं, उन्हें खिलाऊं पिलाऊं, लेकिन क्या करें कुर्बानी भी तो करनी है ना। तो शाम तक कोई अगर कसाई फारिग होता है डिस्काउंट में कम पैसों में मैं उससे कटवा लूंगा। कसाई उसे किया नहीं अभी तक तूने? अभी तो नहीं, लेकिन सोच रहा हूँ कि शाम तक डिस्काउंट पे कोई कसाई मिल जाए तो अच्छा है नहीं? अबे मेरा एक कसाई जानने वाला है, मार्केट से 50% डिस्काउंट पे मैं करा दूंगा, बकरा भी जिबा कर देगा। ए वाह क्या बात कर दी तूने, बोलता मंगवा लूं। ए भाई नेकी में देरी किस बात की, फटाफट मंगा ले भाई, ये तो नेकी का काम है। अभी मंगवा दो। मसाला मसाला इसे कहते हैं प्यार, चाचू से कितना प्यार है तो अंकल ही बोलो, चाचू बोलो चाचू। आज तो मेरे को लगता है प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये तुम्हारे ये तुम्हारे ये तुम्हारे, चल जा तेरे को दे दिए थे, निकल निकल। ए भाई निकल। क्या हो गया है यार, बच्चा है बच्चा, दे 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 दे, कुछ हो जाएगा। वैसे मेरे को भी तूने दी नहीं थी, दी है। ये लो ये लो ये ले ले। हाँ भाई तू बकरे का ख्याल रख, मैं भी आता हूँ। हाँ आदाब अंकल, आदाब आदाब आदाब। जाओ ना आप अंदर। किसने दिए ईदी, कहाँ से आई ईदी,
कौन लाया है ये ईडी? वो जो हमारे घर मेहमान आए। हमारे घर में कोई मेहमान आया वो भी ईद के दिन, तुम लोग ने मेरे को बताया नहीं। आपको पता चलता तो आप कौन सा उनके लिए चाय बना रहे थे? गोश्त तो कट गया, अब खाल का क्या करना है? ए भाई खाल तो मैं सोचा हूँ जैसे शिकारी लोग शेर का शिकार करने के बाद एकदम अपने ड्राइंग रूम में खाल लटका देते ना, वैसे ही मैं अपने बकरे की खाल ऐसे लटका लूं। पागल वागल तो नहीं हो गया? मैंने एक आइडिया लगाया और कसाई के पैसे बच गए मेरे। क्यों? गिरफ्तार कर लीजिए इसे पुलिस वाले अंकल, इसने आपके सामने इकबाल एक जुर्म किया है। आज तो बहुत अजीब ही दिन है। वो कैसे? मम्मा दादी को दावत मिली, पापा को बकरा मिला और हम सबको ईदी। ईदी? तुम सारों को? यकीन नहीं आ रहा ना, तो ये देखे तुम लोग सबको ईदी मिली है। तुम लोग ने मेरे को बताया क्यों नहीं? मम्मा हमें तो खुद अभी तक यकीन नहीं आ रहा, हम आपको कैसे यकीन दिलाते? किसने दिए ईदी? कहाँ से आई ईदी? कौन लाया है ये ईदी? वो जो हमारे घर मेहमान आए। हमारे घर में कोई मेहमान आया वो भी ईद के दिन, तुम लोग ने मेरे को बताया नहीं। आपको पता चलता तो आप कौन सा उनके लिए चाय बना रहे थे? ए चाय तो बाद में पूछूंगी, पहले अपनी ईदी तो वसूल करूं। बता किधर है अंकल? ठीक मेरा जहाँ किधर रेडी होकर आती हूँ, उनको कहीं जाने मत देना। ठीक है चलो चलो। छोना मेरा छोना, मैंने सुना है घर में मेहमान आए हुए हैं। हाँ वो मेरा दोस्त जमील आया है, लेकिन आपको कैसे पता चला? आपके बच्चों ने तो मेरे को बताया। पता चला है कि नीचे आपका दोस्त जमील जो वो 50 रुपए ईदी बांटे ले। मैंने सोचा भाईजन को जाके सलाम कर लूं। ए रुक जा भाई, पहले मेरी बात तो सुन ले। ये जो गोश्त अपन के पास आया उसकी बोटियां कैसे कटेंगी? एहतियात से कटेंगी। हाँ भाई एहतियात से कटेंगी, लेकिन साइज क्या होगा, किस किस साइज की बोटियां काटनी है तो बता। मेरे को क्या पता, मैं आपको कसाई लगती हूँ क्या? ए भाई कसाई लगती है, मगर खाना तो तू ही पकाएगी ना, तो तू मेरे को बता के बोटियां किस साइज की कटे ताकि वैसे ही कटवाऊ ना मैं। बराबर बराबर, कबाब के लिए कटवा ली? अच्छा। ने सीख बोटियां अलग जो होती है उसके लिए, ने कीमा भुनने के लिए वो भी कटवा ले, ने खटाखट के लिए कटवा ले, ने रोस्ट के लिए कटवा ले, और हाँ दो दस्तियां दो राने और बाकी सारी चापे ना ऐसी साबित ही उठा ले, अपन लोग रोस्ट करवा लेंगे दुकान। ए रुकिया, सारी चीजें जब साबित चाहिए तो गोटियां क्या श्री पावे की कराऊं मैं? जब मेरी बात माननी नहीं है तो फिर मेरे से पूछते क्यों? माफ कर दीजिए फिर से गलती हो गई, आइंदा आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा मैं। मैं तो आपको माफ कर लूंगी, लेकिन ये ईदी का लोस मैं माफ नहीं करूंगा। किधर आपका दोस्त जमील? मेरे को जाना है बस अब। ए भाई जमील तो नीचे है। ठीक है जाना नहीं है भाई, तो उसके सामने मत जाना। काय को? वो इसलिए कि जैसे आपको देखेगा भाभी जी सलाड़ी को भाभी जी सलाड़ा बहुत अच्छा खाना पकाती है, प्लीज मेरे को जरा कुछ खाने को दे दे। ए तेरे को देगा 50 रुपए, लॉस हो जाएगा पूरे 250 रुपए का फायदा। बराबर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जाए मैं पर्दे में इधर ही रहती हूँ, को बोलो भाभी पर्दा कर। बिल्कुल सही है, गोश्त की कटिंग करा के फिर मैं जमील को कटाऊंगा यहाँ से, तब तक आप प्लानिंग कीजिए कि हमने क्या क्या खाना है, आपने क्या क्या बनाना है, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। चल भाई ये भी उठा के ले जाओ मैं अंदर जरा। ओ भाई और रख दे इसको, गोश्त तो कट गया, अब खाल का क्या करना है? ए भाई खाल तो मैं सोचा हूँ जैसे शिकारी लोग शेर का शिकार करने के बाद एकदम अपने ड्राइंग रूम में खाल लटका देते ना, वैसे ही मैं अपने बकरे की खाल ऐसे लटका लूं। पागल वागल तो नहीं हो गया? क्यों अपने खाल के पैसों को लॉस कर रहा है भाई? क्या मतलब? अच्छा तू कोई मशवरा दे मैं क्या करूं? देख भाई मैं कह रहा हूं अभी खाल को संभाल के रख ले, मार्केट अभी दो होगी क्योंकि माल बहुत है ना अभी। हां सही बोल रहा है यार। देख भाई खाल को धूप में सुखा के रख दे, ठीक है जब बिल्कुल सूख जाए ना तो संभाल ले, और ईद खत्म होने के 3-4 दिन बाद भेजेगा ना तो ऐसा पैसे मिलेंगे। ए मिंजा मौला जमील तू कितना अच्छा मेरा दोस्त है यार, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। तू इतना झूठा और कमीना हो सकता है? मैंने भी नहीं सोचा था। चल ठीक है तू ऐसा कर यहाँ पे बैठ जरा, मैं जरा खाल को ना छत के ऊपर सुखा के आता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुखा के भी ले जाता हूँ, वरना यहाँ पे मक्खी अटैक कर देंगी। और नमक लगा के रखियो वरना खाल खराब हो जाएगी। हाँ भाई हेलो हेलो, अबे जल्दी आ जाना, कहाँ रह गया? बहुत कुछ तैयार है। हाँ मैं भी आ रहा हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम कानून अंकल,
मैंने सुना इस घर में कुर्बानी का बकरा जिबा हुआ है। एक दफा ए हम लोग तो हर साल कुर्बानियां देते रहते हैं। और इस बार तूने जो कुर्बानी दिया ना हाँ। वो चोरी का बकरा था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, चल अंदर। चलो भाई चलो। थाने। चकरिया, ये क्या हो रहा है तेरे साथ? ए, मैं क्या बताऊँ, मेरे को पुलिस वाले अंकल ने खामखा पकड़ा हुआ है भाई। आपने जिस बकरे की FIR कटवाई थी ना, वो किसने जिबा किया है? बहुत अफसोस की बात है चकरिया। मैंने एक आइडिया लगाया और कसाई के पैसे बच गए मेरे। क्यों? गिरफ्तार कर लीजिए पुलिस वाले अंकल, इसने आपके सामने इकबाल एक जुर्म किया है। कानून सुनता नहीं है। मगर हमने सुना है कानून अंधा होता है। कानून से बहस करते? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं कमीने। अरे पहले उससे तो जान छुड़ा ले। हाँ पुलिस वाले भाई, गोश्त तुम ऐसा करो, तुम थाने लेके चलो, मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, चल भी थाने। अंकल को छोड़ दो ना प्लीज। तुम भी कुछ दो ना फिर। अच्छा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। वैसे तो मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो किसी को बताना नहीं। ये क्या क्या कानून के साथ? आपने तो कहा कुछ दो मेरे को। दो का मतलब है कुछ पैसे दो। मुझे मतलब पैसे भी देने पड़ेंगे? अच्छा चलो, जब मैं बकरे की जान लेने के पैसे दे सकता हूँ तो अपनी बचाने के क्यों नहीं दे सकता। ये लोग कितने बचे हैं? मिंजा बोलो, पूरे 4,000 रुपए बचे। चार नहीं, पाँच पाँच पाँच। ए भाई, जितना बजट होगा उतना ही दूंगा ना आपको, तो वैसे ही फोकट में पड़ा, ले लो। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके खुदा हाफिज़। नहीं नहीं, गोश्त किधर है? गोश्त? हाँ। गोश्त वो रहा। हाँ तो बस भी चलो अंदर। अंदर चलो थाने। इधर नहीं, घर के अंदर। अच्छा अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, ये गोश्त में थोड़ा हिस्सा तो मेरे को दोगे ना प्लीज? एक हाथ से देंगे, दूसरे हाथ से लेना चाहते हैं? चल अंदर। अच्छा चलो भाई चलो। ए जोरा, तेरे को क्या पता, हमारे घर में तो 3-3 बकरे होते थे, बल्कि मेरा शोर जिंदा थे तो हम ऊँट भी करते थे। जब से बेटे की बहू लाई हो ना, अपने घर में तो कुछ भी नहीं रहा, बिल्ली का बच्चा भी नहीं है जो काट ले। हाँ क्या करे, मजबूरी। रुक जा, ये मेरा छोकरा, ये जाकू गोश्त का क्या हुआ? ए माँ, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, गोश्त पुलिस वाले ले गए। Oh my God, कुर्बानी वाला तारा गोश्त भी बेच दिया इस आदमी ने। ए मैंने बेचा नहीं है, बल्कि मेरी जेब से 8,000 वो ले गया है। ए मिंजा मौला, वो बकरा किधर गया? ए माँ, वो बकरा उस जमील का था, उस कमीने ने कसाई के पैसे बचाने के चक्कर में ना ये चाल चली और माँ मेरे से कसाई के पैसे ले लिए। Oh my God, इतना बड़ा फ्रॉड। ए फ्रॉड तो उसी दिन हो गया था जिस दिन तू हमारे घर में ब्याह के आई थी। एक्सक्यूज मी, पहले माल लेने से पहले चेकिंग तो कर लेती आप। हमने तो बहुत चेकिंग की, पैकिंग ही बहुत चालाकी से की। ए क्या चेकिंग पैकिंग की बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? सामान लेकर आ गए मुर्गी का बच्चा भी उठाने का क्या है? अरे अरे जकरिया कुसुम की लव स्टोरी।